मेरा नाम जनक जोशी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमृतसर। मैं भाजपा की वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमृतसर हाँ। अज असी सारे बीजेपी वाले रल के इमरान खान पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है उसका पुतला साड़ रहे हैं और ग्रेट प्रोटेस्ट कर रहे हैं थां थां ते, क्योंकि उन्होंने साढ़े महाराजा रणजीत सिंह का पुतला जो किन्नी देर तो चला रहा सी, कम से कम शर्म कर दे तो पाकिस्तान का जवाई सी, तो उन्होंने वह पुतला खराब किया और साढ़े हिंदुस्तान की जो अखंडता खराब कर रहे हैं। इतने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बड़े प्यार ना रह रहे हैं, ये शरारती अंसर है जो कुछ गलता कर करके देश में बदनाम अपने तो करना ही करना, पर असी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अज असी नवजोत सिंह सिद्धू को भी कहना चाहते हैं कि की दोस्ती पा रहे हो तुसी, कि तुम आके बाहर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, कि ताडे दोस्त ने साडे अपने इंडिया तेरे अपने इंडिया की तेरे अपने पंजाब की बेअदबी की। वो एक सरदार सी, वो साडे महान एक नेता भी सी सिख कौम दे, ते की तू बर्दाश्त कर रहा है, तुहानू बर्दाश्त करना चाहिए सी। अज सारे बीजेपी वाले असी उन्हां दा पुतला भी साड़ रहे हैं, उन्हां दे मुर्दाबाद के नारे भी ला रहे हैं, तो असी कांग्रेस नू कह रहे हैं कि दोस्ती बाद विच पहला अपना देश वेखो, देश की अखंडता वेखो, देश के प्यार नू वेखो, ये तिने चीज़ा भुल के नज़रअंदाज करके तुसी लोकां दी शांति नू लोकां दे ख्यालां दे नाल खलवाड़ मत करो। बीजेपी जिंदाबाद। सुरेश महाजन, प्रधान भारतीय जनता पार्टी अमृतसर। पिछले दिनी जो पाकिस्तान के अंदर शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी के बुत की बेअदबी की, उस बुत को तोड़िया गया और पाकिस्तान के अंदर शरारती अंसरों वालों जो अल्पसंख्यक महापुरशों बेइज्जत किया जा रहा, अज उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अमृतसर वालों ये मुजाहरा किया जा रहा। पाकिस्तान का पुतला फूकया, कैप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला फूकया। और मैं अज के दिन पूछना चाहना पंजाब के कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू नू, जड़े इमरान खान नू अपना दोस्त कहते हैं और उतों के जनरल नू जफ्फिया ते पप्पियां लेंदे है, तो वो अज पुछे उन्होंने कि महाराजा रणजीत सिंह जी के बुत की बेअदबी क्यों हुई, जड़े मूँह च घुंघणियां पा के पंजाब का प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू बैठा है, यदि जिम्मेवारी बनती है कि उन्होंने पूछे और इनते सख्त तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है। इमरान खान का और पाकिस्तान सरकार का पुतला फूकया गया।